नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपको एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल का वीडियो शूट कर रहे हैं। ये बच्चा सेरिब्रल पॉल्सी का है, इसको जो है ये पंजा उठा के बड़ी मुश्किल से चल पाता है और नॉर्मली इन्होंने पूरे इंडिया में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया, एम्स वगैरह में भी दिखा रखा है। और इसके बाद ये लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से मेरे से कॉन्टैक्ट किया और ये कानपुर से आए हैं। जो बच्चा है इसका मैंने सर्जरी किया है 2 दिन पहले और अब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आप बताएं, आप कहां से आए हैं? सर, मैं यूके कानपुर बिठोर, पिन कोड है 2217, जहां पर रहने वाला हूं। आप इस सर्जरी से संतुष्ट हैं? हाँ सर, क्योंकि संतुष्ट सर मैं इसलिए हूं क्योंकि सर कानपुर में मैंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया सर, जिससे कोई इलाज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे सर आपके यूट्यूब द्वारा मुझे संपर्क हुआ था, तो सर आने में पहले बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जब आपसे जुड़ा तो यहाँ सर बिल्कुल ये मान चलिए कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं अदर्स कंट्री या अलग किसी हॉस्टल में कोई इलाज करवा रहा हूँ। यहाँ की हर एक चीज स्टाफ से लेके या मैं डॉक्टर साहब है बिल्कुल सब घर तरह अवेलेबल हर चीज अवेलेबल दी गई है। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। अगर यही प्रोवाइड अगर कानपुर में, तो आग्रह करना चाहूंगा सर से कि सर अगर अपनी कोई भी ब्रांच अगर सर हमारे कानपुर में स्थित अगर खोल दी जाए, तो सर कोई ना कोई विकलांग जो बच्चे टहला करते हैं, जो बहुत बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो पैसों के कारण ना होने वजह से सर यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं। सर मैं आग्रह करता हूँ कि आप अगर कानपुर में अपनी ब्रांच अगर खोल दें सर, तो कम से कम जो बहुत सारे जो ऐसे हो जो नहीं आ पाते सर, उनका इलाज वहाँ अवेल हो सकता है। जी, मैं साइंटिफिकली अगर बात करूँ तो बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी थी और बच्चे के जो दोनों पैर है वो अफेक्टेड हुए थे। इसमें जो बच्चा है ये कैंची मार के चलता है, सपोर्ट के सहारे चलता है और पंजा उठा के चलता है। ये इन्होंने इसका ट्रीटमेंट जो है शुरू में एक्सरसाइज रहता है। यदि बच्चा एक्सरसाइज से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर हम 5 से 6 साल की उम्र में सर्जरी के द्वारा इन पैरों की जो टाइटनेस है इसको कम करते हैं। अभी मैंने दोनों पैर की सर्जरी करने के बाद बच्चे को ये वाला प्लास्टर दिया है। ये प्लास्टर हम 21 दिन के लिए देंगे, उसके बाद एक प्लास्टर चेंज करेंगे, उसके बाद बच्चे के शूज और फिजियोथेरेपी चालू होगी। इस बच्चे का वीडियो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ जो कि चल ऑपरेशन से पहले का है, और हम इसका अपडेट भी आपको देंगे जो ऑपरेशन के बाद का जो वीडियो है उसका। तो ये हम पेशेंट को 21 दिन के बाद दोबारा बुलाएंगे और उसके बाद इसकी कंडीशन है उसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे।